नमस्कार दोस्तों, होम किचन विद शंपा चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाऊंगी पनीर का खीर, तो इसे छाना का खीर भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पनीर का खीर। ये देखिए, हमने 1 लीटर दूध ले लिए पनीर की खीर बनाने के लिए। इसका मैं पनीर बनाऊंगी, ये जब दूध खल जाएंगे इसका मैं पनीर बनाऊंगी। और 1 लीटर दूध ले लिए, इसको मैं थोड़ा गाढ़ा करूँगी। ये धीरे 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 बॉयल होते रहेंगे। ये दूध देखिए बॉयल हो गए, तो गैस का फ्लेम मैं बंद कर देती हूँ। अब मैं डालूँगी इसमें सिरका। सिरका ले लिए, तो इसमें आधा सिरका है और आधा पानी है। ऐसे 3 चम्मच सिरका है और 3 चम्मच पानी है। तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल दूँगी। ये देखिए थोड़ा सा और सिरका डाल दूँगी, 1 चम्मच के आसपास। ये देखिए हमारी, देखिए दूध जो है, देखिए मैंने इसमें विनीगर डाल दिए थे, तो ये देखिए पनीर में चेंज हो गए। तो इसमें 4 से 5 चम्मच के आसपास विनीगर हमने डाल दिए। तो अब मैं इसको एक छन्नी में छान लेती हूँ। थोड़ा पानी डाल देंगे और इसको थोड़ा थोड़ा सा धो लेंगे। जो मैंने विनीगर से मैंने इसका पनीर निकाला, तो वो विनीगर की जो खटास है वो ना रहे, तो इसको थोड़ा अच्छे से धो देते हैं। धो दिए पनीर को, देखिए मैंने अच्छे से पानी से धो लिए। तो इसकी जो सिरका की जो थोड़ा सा खटास होती है वो अच्छे से निकल जाए, तो इसकी पानी अच्छे से देखिए झड़ जाए। तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही रख दूँगी थोड़ी देर। और इधर देखिए हमारी, देखिए दूध जो मैंने बॉयल करके रखी थी, ये देखिए धीमी धीमी आंच में अभी ये बॉयल होते रहेंगे। ये थोड़ी गाढ़ी हो जाए फिर इसमें डालूँगी मैं पनीर। ये देखिए दूध हमारी, देखिए धीरे धीरे गाढ़ा हो रहे हैं, थोड़ा और गाढ़ा करूँगी। ऐसे करके चलाते रहना है बीच बीच में। ये देखिए हमारी, देखिए दूध जो मैंने देखिए बॉयल करने रखी थी, देखिए ये 1 लीटर दूध से देखिए 0.5 लीटर हो गए। दूध हमारी देखिए गाढ़ा हो चुके हैं। तो अब मैं डाल दूंगी इसमें चीनी। देखिए मैंने इसमें 0.5 कटोरी के ऊपर थोड़ा ऊपर मैंने चीनी डाल दिए। देखिए तो मीठा आप अपने अनुसार डालिए। देखिए तो थोड़ी देर और बॉईल करूँगी, चीनी अच्छे से मिक्स हो गए। मिक्स के साथ मैंने जो पनीर जो देखिए निकाली थी, देखिए ऐसे हो गई है। तो ये 1 घंटे के आसपास ऊपर हो गए, तो इसको हाथों से हल्का हल्का तोड़ लूँगी मैं। तो इसमें जो मैंने सिरका से, देखिए मैंने जो पनीर निकाली थी, तो अच्छे से धो लेना है। थोड़ा सा भी रह जाएंगे तो फिर दूध फटने के चांस रहते हैं। तो आप दुकान से पनीर लाएंगे तो आप कद्दूकस भी कर सकते हो, ये घर की बनी है। तो हाथों से हल्का हल्का मैं तोड़ दूँ, देखिए ऐसे करके तोड़ दूँ मैंने। देखिए ऐसे हल्का तोड़ दी मैंने चीनी डालने के बाद। देखिए एक बार देखिए बॉईल कर लिए। अब मैं डालूँगी इसमें पनीर। एक 2 मिनट इसको मैं धीमी आंच में पका लूँगी। ये देखिए मैं, देखिए थोड़ा सा केसर की धागा डाल रही हूँ, 7 से 8 के आसपास है, तो डाल दिए। तो ये हमारी बन चुके हैं। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ। तो ये बहुत खाने में टेस्टी लगते हैं। तो आप कोई भी फेस्टिवल, कोई भी त्यौहार में बनाइए, ये बहुत टेस्टी बनती है। तो सामने नौ दुर्गा रहे, तो ये प्रसाद के रूप में आप बना सकते हो, खाने में बहुत टेस्टी होती है।
अब मैं डालूंगी इसमें देखिए दो इलायची, देखिए मैंने ददरे कूट लिए उसको डाल देती हूँ। अब मैं डालूंगी इसमें देखिए थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, काजू और बादाम, देखिए हमारी ये अम्मी टेस्टी देखिए खीर बन के रेडी है। अभी आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी देखिए पनीर का खीर, इसे छाना की खीर भी कहा जाता है बहुत सी जगह में, तो ये रेडी है। तो ये बहुत सुंदर बनी है और बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो सामने नौ दुर्गा और दुर्गा पूजा भी है, तो उसमें आप बना सकते हो, बना के अपनी देवी माँ को प्रसाद चढ़ा सकते हो। तो ये बहुत स्वादिष्ट बनते हैं, खाने में बहुत टेस्टी होती है। तो मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कैसे बनी। फिर मिलेंगे एक नया रेसिपी के संग, तब तक के लिए बाय बाय।